अगर आपने हाल ही में फेलियर का सामना किया है तो हम समझ सकते हैं कि आपकी मानसिक अवस्था क्या होगी। आपके मन में कई हजारों सवाल खड़े हो रहे होंगे, जैसे कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरह के हजारों सवाल और दूर दूर तक अंधेरा ही दिख रहा होगा। संघर्ष जीवन को निखारते हैं, सवारते हैं, तलाशते हैं और गढ़कर ऐसा बना देते हैं जिसकी प्रशंसा करते करते जवान थकती नहीं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराते हैं, सतत सक्रिय बनाते हैं और हमें जीना सिखाते हैं। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज से आनंद को अनुभव कर पाते हैं। जिस जीवन में स्ट्रगल नहीं वहां प्रसन्नता व आनंद भी नहीं टिक पाता। जिस तरह नदी के प्रवाह के सतत संपर्क में रहने से पत्थर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है और वह कभी इतनी सुंदर आकृति प्राप्त कर लेता है कि पूजनीय हो जाता है, इसी तरह हमारा जीवन भी संघर्ष की तपिश से निखरता है, ऊंचा उठता है और मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली बधिर व दृष्टिहीन अमेरिकी महिला हेलेन केलर, जो अपने में एक प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता बनी, उनका कहना था, संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। वह हमें यह भी सिखाता है कि भले ही यह संसार दुखों से भरा हुआ है लेकिन इन दुखों पर काबू पाने के तरीके भी यहां अनेकों हैं। इसी तरह फेमस स्पीकर जॉन डी लेमे के अनुसार, संघर्ष की चाबी जीवन के सभी बंद दरवाजे खोल देती है और आगे बढ़ने के सभी नए रास्ते भी प्रशस्त करती है। इस दौरान व्यक्ति के अंदर का हौसला उसे हारने नहीं देता और संघर्ष की लगन सतत बनाए रखता है। इसी तरह स्ट्रगल की तपन मनुष्य के जीवन को चमकाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज मोटिवेटेड।